वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप देख रहे हैं जनसत्ता और मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि 2002 के दंगों के दौरान रेप की शिकार हुई बिल्किस बानो को 2 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा, नौकरी और रहने के लिए घर दिया जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर की बेंच ने गुजरात सरकार से सवाल किया कि अदालत के 23 अप्रैल के आदेश के बावजूद भी उन्होंने अभी तक बिल्किस बानो को मुआवजा, नौकरी और आवास क्यों नहीं दिया। बिल्किस बानो केस एक वक्त पर काफी चर्चे में रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें गुजरात सरकार की बेरुखी आखिर क्यों झेलनी पड़ रही है, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि बिल्किस बानो के साथ आखिर हुआ क्या था। अभियोजन पक्ष के अनुसार गोधरा में फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में अग्निकांड की घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा के दौरान 3 मार्च को उग्र भीड़ ने अहमदाबाद के नजदीक एक गांव में बिल्किस के परिवार पर हमला कर दिया। घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इस हमले में गर्भवती बिल्किस से सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या कर दी गई। के गुजरात दंगे के दौरान रेप करने वाले उन्हें मरावा समझकर छोड़कर भाग गए थे। घटना के 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 2019 को बिल्किस बानो को मुआवजा देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये भी आदेश दिया है कि बिल्किस बानो को सरकारी नौकरी और नियमों के मुताबिक घर मुहैया कराया जाए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था उसी पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों के डिमोशन का भी प्रोसेस शुरू कर दिया था। गुजरात कैडर के आईपीएस भगोरा, जो कि बिल्किस बानो केस के जांच के अधिकारी थे, उन्हें डिमोट कर दिया गया, लेकिन बिल्किस बानो को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई शुरू होते ही बिल्किस बानो के वकील शोभा गुप्ता ने बेंच से कहा था कि अदालत के आदेश के बावजूद गुजरात सरकार ने उसे अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। बेंच ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, हमारे आदेश के बावजूद कोई मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? तो मेहता ने इस पर बेंच को बताया कि गुजरात के पीड़ितों को मुआवजा योजना में 50 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अप्रैल में इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए आवेदन करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, नहीं, आपने अभी तक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया? क्या हमें अपने आदेश में इसका जिक्र करना चाहिए कि इस मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का आदेश दिया गया है? मेहता ने इस बात से सहमति तो व्यक्त की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बानो को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए, जिस पर बेंच ने जवाब देते हुए कहा कि 2 हफ्ते के समय की भी अब जरूरत नहीं है। सोलिसिटर जनरल ने बाद में कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि 2 हफ्ते के भीतर पीड़ित को मुआवजे की राशि, नौकरी और आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। अदालत ने ये स्पष्ट किया कि उसके अप्रैल के आदेश में बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, नौकरी और रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने का निर्देश सरकार को दिया गया था और बेंच ने किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में उसे कोर्ट में आने की स्वतंत्रता भी दी थी। इससे पहले बिल्किस बानो ने 5 लाख रुपए की पेशकश ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को ऐसी राशि भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था जो कि एक नजीर बन सके। इसे ही देखते हुए बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए देने के निर्देश कोर्ट ने दिए थे। इस मामले पर जो भी अपडेट होगा वो जनसत्ता आपको बताता रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।